हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब इंडिया यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेवल शिप रिपेयर या ट्रेनिंग एनरोलमेंट के ऊपर। यहां पे आप लोग देख ही सकते हो, एनरोलमेंट फॉर द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन डिजाइन ट्रेड्स द नेवल शिप रिपेयर यार्ड कोची इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर आईटीआई क्वालिफाइड चाहिए कैंडिडेट्स मेल हो या फीमेल हो इन वेरियस डिजाइन ट्रेड्स फॉर एनरोलमेंट इनटू अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एट नेवल शिप रिपेयर यार्ड अंडर अप्रेंटिस एक्ट। यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे अगर मैं जाऊँ यहाँ पे वन ईयर का ट्रेनिंग का कोर्सेस है, आप लोग देख सकते हो। ये फ्री है, कम्प्लीटली गवर्नमेंट अंडर गवर्नमेंट है ये। आप इंडिया से कहीं से भी हो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मैकेनिस्ट के लिए 9 पोस्ट है टोटल। एलिजिबिलिटी आईटीआई ट्रेड, आपको मैकेनिस्ट का चाहिए सर्टिफिकेट। इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक के लिए 5 पोस्ट है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक चाहिए। फिटर के लिए 15 है, फिटर का आईटीआई पास चाहिए। रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, यहाँ पे 8 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन भी रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक चाहिए। इलेक्ट्रोप्लेटर के लिए 4 पोस्ट है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन आईटीआई इलेक्ट्रोप्लेटर सर्टिफिकेट होना पड़ेगा। वेल्डर ग्लेशन इलेक्ट्रिक के लिए 12 पोस्ट है, वेल्डर गैस और इलेक्ट्रिकल का क्वालिफिकेशन चाहिए। पेंटर जनरल के लिए 8 पोस्ट है, यहाँ पे पेंटर जनरल का सर्टिफिकेट चाहिए। इलेक्ट्रिशियन के लिए 16 पोस्ट है, क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रिशियन है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 13 पोस्ट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का क्वालिफिकेशन चाहिए। टर्नर के लिए 6 पोस्ट है, टर्नर चाहिए, सर्टिफाइड आईटीआई से सर्टिफिकेट चाहिए। COPA टोटल 19 पोस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेशन एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट COPA। मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए MMB 6 पोस्ट है, MMB आईटीआई पास होना पड़ेगा। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 121 है। नीचे यहाँ पे 2 ईयर्स के लिए कुछ दिया हुआ है, जैसे फाउंड्री मैन के लिए 2 पोस्ट है, आईटीआई पास होना पड़ेगा फाउंड्री मैन भी। प्लम्बर के लिए 5 पोस्ट है, यहाँ पे प्लम्बर का सर्टिफिकेट चाहिए, टोटल 7। यहाँ पे रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज का कुछ दिया हुआ है, आप लोग देख लेना लाइन बाय लाइन। यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशंस, क्वालिफिकेशन मैट्रिक चाहिए, साथ में आईटीआई एग्जामिनेशन पास चाहिए, प्रोफेशनल नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एक्सेप्टेबल। सिर्फ नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एक्सेप्ट है यहाँ पे। ट्रेड विथ एग्रीगेट 60% मार्क्स, रिलेवेंट ट्रेड विथ एग्रीगेट 60% मार्क्स। एज लिमिट यहाँ पे देख सकते हो आप, 221 ईयर्स एज ऑन 1st October 2018। यहाँ पे नीचे कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है, आप लोग देख लेना। प्रीवियस ट्रेनिंग के बारे में दिया हुआ है, स्टाइपेंड मंथली स्टाइपेंड एज पर प्रिस्क्राइब रेट्स विल बी पेड एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। आपको मंथली जो स्टाइपेंड है वो एज पर गवर्नमेंट रूल होगा। और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर दिया हुआ है, आप लोग पूरा अच्छा से देख लेना। कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग 15 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। ट्रेवल एक्सपेंस आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपका रिटर्न एग्जाम और ओरल एग्जामिनेशन के लिए बोर्डिंग और लॉजिंग आपको खुद अरेंज करना पड़ेगा अगर आप बाहर से जाते हो तो। एप्लीकेशन यहाँ पे आप देख सकते हो, इसी एड्रेस पे भेजना है आपको। अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कूल नेवल शिप यार्ड रिपेयर यार्ड नेवल बेस कोची पोस्ट से सिर्फ आपको भेजना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिटेल दिया हुआ है, आप लोग देख लेना। एम्प्लॉयमेंट का यहाँ पे और भी कुछ डिटेल्स है, आप लोग अच्छा से पढ़ लेना। यहाँ पे नीचे एप्लीकेशन फॉर्म भी है, आप देख सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा, अगर आप चाहो तो वहाँ से आके जो है पूरा डिटेल्स वगैरह चेक कर सकते हो। और उसके बाद अगर आप एलिजिबल होते हो, इंटरेस्टेड होते हो, तो आप अप्लाई भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और हेल्पफुल, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और अगर आप लोगों ने आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई गवर्नमेंट लेटेस्ट जॉब के बारे में वीडियो लाऊं तो आप लोगों को तुरंत मिल जाए। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं और एक नए अपडेट के साथ।